नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसके परस्त क्या कर रहे हैं, पीओके में क्या हो रहा है, यह अब आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार एनकाउंटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तान परस्त आतंकी लगातार घाटी में हमला भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीओके में क्या हो रहा है इसको लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे जो संवाददाता हैं अरविंद ओझा, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। उनके हवाले से हम आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि पीओके के अंदर क्या चल रहा है। जब भारत इतनी बड़ी मात्रा में, जो भारतीय सुरक्षा बल हैं, इनकाउंटर ऑपरेशन चला रहे हैं, तो उस वक्त पीओके में क्या प्लान हो रहा है, ये भी अब आपको जान लेना चाहिए। तो इस वीडियो में ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आतंकियों के हर मूवमेंट पर खुफिया एजेंसियां नजर रख रही हैं और इनपुट अब यह आ रहा है कि आतंकी बौखलाहट में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक कर सकते हैं। इसके लिए अनंतनाग जैसे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लश्कर ए तैयबा के दो आतंकी ग्रुप, जिसमें 8 आतंकी बताए जा रहे हैं, उसमें एक गाइड भी शामिल है, वो पिछले 3 दिनों से पीओके में रुके हुए हैं। ये घुसपैठ करके पुंछ जिले में आना चाहते हैं। यहां आतंकी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जवानों की जान लेने वाले आतंकियों की तलाश में पुंछ के जंगलों में 9 दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार एनकाउंटर की खबरें इसी कड़ी में आती चली जा रही हैं। कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को 5 आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिली है। कहा गया है कि यह मूवमेंट जो है वो 14 और 15 अक्टूबर को हुआ था। इसके बाद ही सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन के बाद बौखलाहट में आतंकी जो है वो लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और बीते कुछ दिनों में 11 नागरिकों की उन लोगों ने जान भी ले ली है। और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशनल स्किल्स है उसके सामने उनकी बौखलाहट जो है अब वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब जो सुरक्षा बल जिस तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके से आतंकियों को वो निशाना बना रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं, उनका मौत के घाट उतार रहे हैं, यही कारण है कि अब उन्होंने अपने टेक्टिकल स्किल्स बदल दिए हैं और टारगेट किलिंग की तरफ वो मुड़ गए हैं। आईएसआई जैसा उन्हें डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सुरक्षा बलों से सामना होगा तो अंजाम क्या होगा ये सबको पता है। कभी बम से वो उड़ा दिए जाएंगे, कभी उनको ठोक दिया जाएगा, कभी उनको सरेंडर करने के लिए कहा जाएगा, नहीं मानेंगे तो भी उनको जो है उनका टिकट काट दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब जो है वो टेक्टिकल बदलाव करके जो आतंकी है, जो आतंकियों के आका है, आईएसआई है, पाकिस्तान है, जैश है, तमाम ये लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अब सिविलियंस को निशाना बनाओ, जिससे डर पैदा करो, पैनिक क्रिएट करो। और ये थ्योरी पेश की जाए कि भैया जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, लेकिन इन तमाम मूवमेंट्स की जानकारी सुरक्षा बलों को लग जा रही है और यही कारण है कि पीओके में जो आतंकी है वो जो है वो सक्रिय तो है, वो घुसपैठ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सेना और सुरक्षा बल अलर्ट पर है। अगर वो आएंगे तो यकीन रखिए कि सुरक्षा बल उन्हें वहीं भेज देंगे जहां के लिए वो निकले थे, मतलब सीधे ऊपर का रास्ता। इस मामले में जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो भी लगातार भारत तक आपको बताता दिखाता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।